नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आप जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है साइबर मीडिया लिमिटेड। आज इसने 9% का रिटर्न दिया है, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसमें हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसने बोलिंजर ब्लेंड को भी ब्लास्ट किया है, मतलब कि एक ब्रेकआउट भी है इसमें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए हम देखते हैं साइबर मीडिया क्या है। तो साइबर मीडिया 1982 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है। साइबर मीडिया लिमिटेड इज एन प्रिंट मीडिया एंड पब्लिशिंग डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट एनालिटिक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है। अब इसका अगर हम ये देखते हैं फाइनेंशियल, तो मार्केट कैप इसका 28.4 करोड़ का, बहुत ही चलिए माइक्रो कंपनी कह सकते हैं। स्टॉक का पीए 11.6 है, जो कि अच्छी वैल्यूएशन है। आरओसी 70.5%, वेरी इंप्रेसिव। आरओसी 5 ईयर का 29.6 और प्रॉफिट वैल्यूएशन, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बुक वैल्यू इसकी -2.93 है और करंट प्राइस 18.2 है, मतलब बुक वैल्यू माइनस में भी होती है क्या। चलिए, इंटरेस्ट कवरेज 4.59 है और फ्री कैश फ्लो इसके पास 14 करोड़ रुपए का है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। अब इसका अगर चार्ट देखें तो चार्ट में हमें ये एक डाउन ट्रेंड में लगती है और साइडवेज, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज। काफी बार इसने ये एक इसी प्राइस के आसपास 18 रुपए के आसपास का लो बनाया है और उसके बाद ऊपर जाती है और उसी प्राइस से ये अगेन ऊपर गई हुई है। चलिए इसके प्रोज और कौन की बात करते हैं। तो कंपनी है रिड्यूस डेप्थ बहुत कम है और कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.4 सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर। अब कौन की बात करें तो अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 6.39 करोड़। पीयर कंपैरिजन करें तो ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कंपनी है और जी एंटरटेनमेंट इसमें सबको लीड कर रही है, जिसका की मार्केट के 25,180 करोड़ है और इसका 28 करोड़ ओनली। इसका पी अच्छा है, जो कि जी का पी देखेंगे तो 121 पे चल रही है और इसका पी 11.57 है और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है छोटी अमाउंट के साथ, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। अब इसके चार्ट पे चलते हैं। तो ये इसका एक मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि ये कंपनी 2015 में रजिस्टर हुई है, लगभग इसका 10 रुपए का प्राइस था। उसके बाद इसने एक हाई बनाया था जो कि 8 रुपए के आसपास था और लो बनाया था जो कि 5 रुपए के आसपास था, और फिर इसने एक हाई बनाया जो 18 रुपए के, फिर जो लो बनाया था वो 2 रुपए के आसपास था और फिर जो लास्ट हाई इसका है वो है 48 रुपीज का। तो ये कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत है, मतलब कंपनी छोटी छोटी न्यूज से जो इसमें आती होगी या इफेक्ट करती होगी, बहुत तेजी से इसको इफेक्ट करती होगी, तभी प्राइस आप देखिए बहुत तेज फ्लक्चुएट होता है इसमें। चलिए इसके बाद हम इसमें कुछ सपोर्ट हम देख पा रहे हैं क्या, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर नीचे से जो इसने लास्ट जो बॉटम बनाया उससे सेकंड बॉटम को ऐड करें तो अभी ये उसके नीचे ही चल रहा है, प्राइस उसके नीचे ही चल रही है। तो क्या ये इसका भी रेजिस्टेंस ले सकती है, और ये अभी ठीक प्राइस उसी रेंज पे भी है। तो हम एक बार ये देखते हैं, उसके बाद हम इसके वीकली चार्ट में चलते हैं। इसने इस ट्रेंड लाइन ने इस यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर अब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और एक ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये आपकी एक जो लाइन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि प्राइस अभी इसके लिए इससे नीचे है इसलिए। चलिए हम वीकली चार्ट में देखते हैं, हम वीकली चार्ट में हमें क्या मिलता है। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये काफी समय से एक कंसोलिडेशन में है, जो इसी रेंज में ये प्राइस काफी समय से बनी हुई है। आप देखेंगे कि ये जो लो है 13 रुपए के आसपास का और ये हाई है, तो ये इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। बार बार कोशिश करते हैं लेकिन ये ब्रेक नहीं कर सकते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। और ऊपर की तरफ से अगर हमें ट्रेंड लाइन बनाऊं, जो कि ये इसका हाई यहाँ पे है, उससे इसके हाई को मिलाऊं और ये, तो ये अभी ट्रेंड लाइन के एकदम रिजेक्शन पे ही है। नहीं, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, वीकली ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ से है उसको इसने ब्रेक किया है।
नहीं किया एक्चुअली, ये एक्चुअली विक्स बहुत ही लाइट है इसलिए दिख नहीं रहा। विक्स मैंने मैच किया है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन का जो टॉप है, मतलब प्राइस का जो टॉप है, उसने उसको टच उसके नीचे ही क्लोज हुई है। तो अभी अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है, जो कि हमारा लेवल होगा कम से कम 18-19 रुपए का, उसके ऊपर क्लोज होती है प्राइस, तब जाके इसमें ब्रेकआउट आएगा। वीकली चार्ट पे बोलिंजर ब्रांड भी ब्रेक हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन का भी ऊपर की तरफ से ब्रेक कर देगी। फिर हमारे पास जो बॉक्स बन रहा है उसका टारगेट रहेगा 22 रुपए का, और उसके बाद अगर 22 रुपए को भी ये क्रॉस कर लेती है तो हमारे पास ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे इसमें। तो अभी हम इसको डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में क्या हुआ है, डेली चार्ट में इसने एक दिन 10 अगस्त को ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये काफी समय से साइडवेज मूव कर रही है और आज इसने ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है वॉल्यूम के साथ। तो हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके फिर हमारे 22 रुपए का जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, उसको हमें दे दे। तो स्टॉप लॉस हमारा इसमें आप ये 17 रुपए के आसपास का होगा और टारगेट हमारा 22 रुपए के आसपास का होगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। और अगर इसमें आगे अगर ये 22 रुपए को भी ब्रेक करता है और यहाँ पे अब पोजिशन को होल्ड करता है या फिर कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास इसके लिए ऊपर के भी टारगेट ओपन हो जाएंगे, जो कि आपका एक बार के लिए 26 रुपए होगा फर्स्ट टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट हमारा इसमें 26 रुपए का होगा 22 रुपए के बाद। और फिर अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ से 35 रुपए और फाइनली 48 रुपए का टारगेट हो सकता है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।